तो दोस्तों, ये यज्ञ जो है वो महायज्ञ, उसका ये जो है कलश यात्रा शुरू हो चुका है। तो ये कलश जब ये उठा रहा था, तो मैं उस टाइम थोड़ा नहीं था, तो उसका मैंने उसका शूट नहीं कर पाया। बट ये जो है पहला दिन है और ये कलश यात्रा शुरू हो चुका है। सब कलश में जो है गंगा का पानी जो है भरना है, और जो भी यहाँ पर कलश उठाए हैं, जो भी एक एक पर्सन, वो सब जो है भूखे हैं। तो ऐसे में जो है भूखे ही कलश को लेना पड़ता है सर पे, और उसके बाद जब ये गंगा का पानी इसमें भर जाता है, तो उसमें उसके बाद जो है खाना वगैरह ये सब हो जाता है। तो अभी वैसे कुछ यहाँ पर पूजा वगैरह हो रहा है। तो यहाँ से जो है अब जो है गंगा की ओर सब चलेंगे। बात यहाँ पर बस ये है कि गंगा यहाँ से 8-9 किलोमीटर दूर है, तो इस कारण से ये जो देख रहे हैं, जो भी पीछे से आ रहे हैं, वो सब जो है कलश लेके आ रहे हैं, तो गंगा जाने में तो पैदल ही चलना पड़ेगा। तो अगर गंगा के पास जाएंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो उस कारण से यहाँ पर उसका सोल्यूशन है कि एक जो है ट्रक में बहुत सारे गंगा जल को लाए जाते हैं, और उसके बाद सबके जो कलश हैं उसमें गंगा जल जो है भरा जाता है। जैसा कि ये देख सकते हैं, ये भरा जा रहा है। तो जहाँ पर से कलश यात्रा शुरू हुआ था, वहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक और मंदिर था, तो वहीं पर ट्रक में जो गंगा जल था, वो सब में यहाँ से भरा जा रहा है, जैसा कि ये देख सकते हैं। और यहाँ से भर के सब जो है चलेंगे मंडप की ओर। तो कलश जो था सब में जो है गंगा जल को भरा गया, उसके बाद मंडप में सब आए वापस, उसके बाद यज्ञ शुरू हुआ। और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये उसके अगले दिन का है। यज्ञ का मैंने वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि मैं वापस से घर चला गया था। तो जैसा कि ये देख सकते हैं, ये जो है अगले दिन का है, और यहाँ पर सभी जो आए हैं वर्शिप करने के लिए, पूजा करने के लिए। ये जो है चंडी स्थान है, बहुत ही ज़्यादा ये पॉपुलर प्लेस है। बट अगर जो हम इसके हिस्ट्री में अगर चलेंगे, तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा। और मुझे पता है, अगर आप इस वीडियो को अगर आप देखोगे लंबा, तो आप खुद ही बोर हो जाओगे। तो बस आप ये समझ लो कि ये चंडी का स्थान है। और ये जो आप पेड़ देख रहे हो, इसमें कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ की उसमें जड़ है ही नहीं, बस क्या कहते हैं वो डाली रहते हुए भी जो पत्ते हैं वो हरे हैं, और बस ऐसा होता है। तो और यहाँ पर बहुत लोग जो है कुछ पानी पीने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कुआं का यूज़ कर रहे हैं। और पानी पीने का यहाँ पे और भी दूसरा सुविधा भी है, लेकिन बहुत लोग कुएं से पानी पी रहे थे निकाल के। और ये रहा चंडी स्थान का कुछ बहुत ही पुराना मंदिर, ये देख सकते हैं। यहाँ पर भी जो है पूजा हो रहा है, और यहीं पे महावीर जी का एक मंदिर भी है चंडी स्थान में, और सभी जो है वहाँ पे पूजा कर रहे हैं। और ये सब जो है पूजा करने के लिए आए हैं, और चलते हैं। जो मूर्ति है यज्ञ महायज्ञ में जो मूर्ति बनता है, उसे भी देखेंगे, और जो बहुत जगह है। तो ये 2-3 इस तरह से मंडप बना हुआ है, और सभी जगह जो है इस तरह से पूजा वगैरह हो रहा है। इंटरेस्टिंग बात एक बात है कि ये जो आप यज्ञ ये जो हो रहा है, यहाँ पर 3-4 विलेज के सहमति से हो रहा है, और जो कि काफ़ी ये विशाल जग था, जैसे कि लुसघानी, मानिकपुर, किरणपुर, ऐसे ऐसे ये विलेज थे। और ये मूर्तियाँ वगैरह देख सकते हो, टोटल 108 या 109 मूर्ति थे।
यहाँ पर भी बहुत लोग पूजा वगैरह कर रहे हैं। और ये जो आप फुटेज वीडियो आप देख रहे हो, कोई फोर्थ डे का है, कोई सातवां दिन का है, ऐसे ऐसे मैंने हर दिन जो है फुटेज लिया था, तो उसको मैंने मर्ज किया और उसे आप जो एंजॉय कर रहे हैं आप देख पा रहे हैं। तो मुझे लगा था कि एक मेमोरी के लिए एटलीस्ट बनना चाहिए एक वीडियो, ताकि ये जो भी हैं विलेज वाले या जो भी हैं हर कोई देख पाएंगे और आप भी ये सब जो अच्छे से मजा कर पाएंगे। आई मीन देख के, ये देख सकते हैं ये बड़ा वाला मंडप है जो कि प्राइमरी है, और यहाँ पर कुछ झूले लगे हैं, और ये जो है फर्स्ट डे है, तो जो भी आते हैं यहाँ पर घूम रहे हैं, परिभ्रमण कर रहे हैं, ताकि उसे अच्छी पत्नी मिल पाए, या फिर वो एग्ज़ाम में पास हो जाए, या फिर आप जो भी कह लो, आई मीन वो अपना वो क्या करते हैं जो मांगते हैं, हाँ अपनी विशेष के लिए वो सब घूम रहे हैं और इस तरह से सब लोग चक्कर लगा रहे हैं। और हाँ, मैंने भी किया, मैंने भी चक्कर लगाया मन की शांति के लिए। और ये आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, छोटा सा ये टाइम लैप्स मैंने शूट किया था, और अब जो है वीडियो का अंत जो है आ गया। इसमें से आप जो कुछ मिस कर रहे हैं, तो कुछ एक रात का वीडियोस मैंने यहाँ पर नहीं ऐड किया, और वो जो लास्ट में जो विसर्जन का जो था उसे मैंने शूट नहीं किया। ओवरऑल ये एक मेमोरेबल वीडियो है सबके लिए, मेरे लिए भी, और जो भी विलेजर्स हैं, जो भी थे मानिकपुर के, लोसगाने के, किरणपुर के, किशनपुर के, वो सभी लोग जो है इंजॉय कर पाएंगे और देख पाएंगे। तो बस ये एक मेमोरेबल वीडियो था यादगार के लिए, और ये कुछ दोस्त मैं भी उसमें हूँ देख सकते हैं, और सबने शूट किया कुछ फ़ोटो और हमने उसे ऐड कर दिया, तो काफ़ी अच्छा लगा था, काफ़ी मज़ा आया, और आई होप कि वीडियो आपको भी अच्छा लगा होगा। और ये देख सकते हैं कैमरामैन संदीप के साथ अनुराग कुमार दीवाना, अनुराग कुमार बेदर्दी।